जब हम भविष्य को हम उज्जवल नहीं, मिश्रा जी बताएंगे क्या करें, भविष्य में कैसे पहचाने कौन गुरु कौन क्या है और भविष्य में कैसे कार्य किया जाए। किसी को भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक वाक्य है सत्यम वत धर्मम चर, आप सत्य बोलिए और धर्मम चर मतलब धर्म के रास्ते पे चलिए। आप अज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो, आप गुरु हो या शिष्य हो, धर्म ही आपका टॉर्च बियरर है, धर्म ही आपका पथ प्रदर्शक है। अगर आप धर्म के सहारे चलते रहेंगे तो धर्म आपको गाइड करता रहेगा कि ये गलत है। लेकिन यही बात आती है कि धर्म की पहचान कैसे करें। हर आदमी धर्म की बात कर रहा है, लेकिन जो धर्म की बात कर रहा है वही पथ में सत्य पर। मैं बता रहा हूँ ना, धर्म की पहचान तो इतना है कि अंधा आदमी भी कर सकता है। धर्म का मतलब जो सनातन सिद्धांत है उसका धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म। धर्म का मतलब होता है धारयति इति धर्मः, जो चीज धारण करने योग्य है वो धर्म है। और क्या चीज धारण करने योग्य है, इस चीज की पहचान कैसे होगी। प्रभु ने जब आपको बनाया है तो आपको विशेष ज्ञानेंद्रियां दी हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां। और देखिए, एक तो आपका फिजिकल शरीर हो गया, इस फिजिकल शरीर के सिवा भी प्रभु ने आपके शरीर में क्या क्या डाला है। बुद्धि डाला है, विवेक डाला है, मन डाला है और आत्मा डाली है। ये चारों चीजें परिभाषित अभी नहीं करूंगा, ये चीजें अलग अलग होती हैं, इनके अलग अलग काम है जो आपके फिजिकल शरीर को निर्देशित करते हैं और चलाते हैं। इन चारों चीजों में से कोई भी चीज अगर एक निकल जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की, या जो आपकी सम अवस्था बनी हुई है पूरे समाज के लिए हितकारी वो नहीं होगा। तो देखिए, बुद्धि और विवेक ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि आपका धर्म क्या है या क्या होना चाहिए, यानी क्या चीज धारण करनी चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे शुद्ध पानी पीना आपका धर्म है, ठीक है, ये इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अब शुद्ध पानी है कि नहीं है ये तो जानवर भी पहचान लेते हैं ना। कैसे पहचानते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको, उनके अंदर भी आत्मा है, विवेक है, बुद्धि है। विवेक और बुद्धि का रोल इसमें ज्यादा होता है, आत्मा और मन का नहीं होता है। फिर वो फिजिकल बॉडी जो है वो गवर्न होती है। लेकिन यही एक सवाल आता है कि आपने शुद्ध पानी की बात करिए, शुद्ध पानी तो जो बहता हुआ होता है वो लोग गांव में ऐसे भर के पी लेते हैं और हम एक आरओ के बिना पी नहीं सकते, बिस्लरी ही चाहिए। तो जब हम अंदर से शुद्ध हैं तो कुछ भी पी सकते हैं। शंकर भगवान तो हलाल कहा गए थे, उसको पी गए थे। हाँ, तो शुद्ध क्या है, शुद्ध को कैसे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, आपका शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा यंत्र है, आरओ है। अगर आपके शरीर की प्राण शक्ति उतनी है, आपके शरीर में जब आप पानी पीते, इवन सांस लेते हैं तो इतने फिल्टर लगे हुए हैं नेचुरल तरीके से। आप सांस लेते हैं, नाक में बाल होता है, श्लेष्मा होता है जो कि धूल वगैरह को अंदर जाने से रोकता है। हवा के टेम्परेचर को कम करके, अगर हवा ज्यादा गर्म है, ज्यादा ठंडी है, तो नाक के अंदर ही उसका टेम्परेचर आपके बॉडी के बराबर होता है, बॉडी के बराबर अनुकूल करके तब वो हवा आपके फेफड़े में जाती है। ऐसे ही पानी और जब आप अन्न जल वगैरह लेते हैं तो आपके स्टमक में पहुंचता है, तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए आपके बॉडी में है। तो मेरे कहने का मतलब, जिस प्रभु ने आपके शरीर को बनाया है वो एक नायाब यंत्र है। आप ईमानदारी से, प्रभु ने जो चेतना दी है, जो बुद्धि दिया है, ईमानदारी से अपने अंतर हृदय की बातों को सुनिए। आपको अच्छा, कौन अच्छा गुरु है, कौन अच्छा आदमी है, आपका धर्म क्या है, क्या करना चाहिए। आपकी आत्मा कभी गलत, देखिए मन आपका गलत बोल सकता है, मन आपको बहका सकता है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति और प्रकृति वैसी होती है। बुद्धि केवल सुन लीजिए, बुद्धि केवल इस चीज में विभेद कर सकती है कि ये चीज अगर कोई है तो कैसे बना है, क्या काम करता है, लेकिन अच्छा या बुरा उसका प्रयोग किया जाए ये चीज आपका विवेक बताता है। विवेक डिसाइड करता है कि एक तलवार है तो इसका प्रयोग कब करना है, कहां करना है। बुद्धि नहीं, बुद्धि तलवार बना सकती है, लेकिन विवेक उसका सदुपयोग कब करना है, कैसे करना है, ये आपको विवेक बताता है, ताकि पूरी सोसाइटी, मानव या जीव मात्र का कल्याण होता रहे। तो एक एग्जाम्पल आप और ये देखिए, परमात्मा ने आपको सर्वगुण संपन्न बनाया है, उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, आप ये बताइए भविष्य में क्या करें हम लोग, आप सब लोग। अरे मैंने एक शब्द बोला ना, सत्यम वत धर्मम चर। लेकिन वो आए कैसे, क्या बात तो ये है, सत्य के परख कैसे हो। सनातन जो है, सनातन तो सनातन है, सनातन को परखे कैसे कि ये सनातन है, क्योंकि सनातन तो स्वयंभू है। जो चीज स्वयंभू है तो उसको परखने, जो चीज 24, जिस चीज पे 24 कैरेट गोल्ड का मोहर लगा है तो उसको परख। मैंने आप जाकर के कहीं पे ज्वेलरी लेते हैं, सरकार की मोहर लगी है 24 कैरेट, तो आप अपने आप को सरकार से ज्यादा विद्वान मानते हैं कि जाके लैब में चेक करेंगे। ठीक है, अगर लैब में चेक भी करना है तो मैंने बोला ना, बुद्धि, विवेक, मन, ज्ञान, ये सारी चीजें आपके लैब हैं, और आपके फिजिकल बॉडी में भी बहुत सारे सेंसर परमात्मा ने दिए हैं, सुपर मशीन बना करके दिए। अब गोरखपुरी साहब